वेलकम टू एमकेपी गुड टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा योनो एसबीआई अगर आप ऐप्स यूज करते हैं तो उस ऐप से बिजली बिल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि किस तरीके से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन से बिजली बिल आप अपने घर के निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप जो है बिजली बिल निकाल पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अपना हम MPIN सेट जो पिन किए हैं वही अपना डालेंगे, उसके बाद नहीं तो यूज़र नेम और पासवर्ड से आप भी लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम फिलहाल MPIN से लॉग इन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ओपन होने के बाद आपका जो है होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है बिल पेमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बिल पेमेंट पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4 लाइन जो कोने में दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस जो आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्विक बिल पे पे। जी हाँ दोस्तों, ये हैंड का निशान दिया हुआ है तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद अपना सेलेक्ट बिलर लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी स्टेट में रहते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आगरा हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, आप जो भी रहते हैं तो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जो भी स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सेलेक्ट कर लिए। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट बिलर आ रहा है, तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो भी कंपनी का बिजली बिल उपयोग करते हैं उस कंपनी का एक बार जो है जो आप लेते बिजली बिल लेते समय आप उसमें देखेंगे कौन सा कंपनी है, नॉर्थ बिहार पावर है कि साउथ बिहार पावर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा है नॉर्थ बिहार पावर, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूछा जा रहा है CA नंबर, यानी कि कंज्यूमर नंबर, जो है कि आपको बिजली लेते समय आपको एक रसीद दिया होगा उसमें रहता है। नहीं तो आप जो है अगर कहेंगे CA नंबर कैसे निकाला जाता है, वो भी हम वीडियो आपको बना के देंगे अगर आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम CA नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों, CA नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आप बिजली लेते समय मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम मोबाइल नंबर दे चुके हैं, उसके बाद ये मेरा अकाउंट सेक्शन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम नीचे क्लिक करेंगे सारा चीज़ फिल करने के बाद। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक कर दिए हैं। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करने के बाद आप जो है देख सकते हैं मेरा जो है बिल पे बिजली बिल है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये मेरा बिजली बिल 2 महीने का 320 रुपया है। तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। दोस्तों, योनो SBI से और भी हम वीडियो बनाए हैं, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड कैसे आप निकाल सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड कैसे निकाल सकते हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ लिंक मिलेगा, आप जाके वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।